हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कविता की रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को कि आपको सारे न्यू रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता। मेरे कुकिंग चैनल कविता की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाने वाली हूँ। बहुत ही कम समय में ये प्रिपेयर हो जाता है, ओट्स का चीला। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और फिर सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओट्स का चीला बनाने के लिए हमने ये सामग्री ली है। हमने ये 4 से 5 पालक के पत्ते लिए हुए हैं। पत्ते को हमने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया हुआ है। 1/2 टमाटो को हमने बारीक चॉप किया हुआ है। 1 ग्रीन चिली को बारीक चॉप किया हुआ है। थोड़े से हरे धनिया लिए हुए हैं, उसको भी हमने बारीक चॉप किया हुआ है। 1 कैरेट को चॉप कर लिया हुआ है। 1/2 कैप्सिकम को चॉप किया हुआ है। 1/2 ऑनियन को बारीक चॉप कर लिया है। 1/2 लेमन जूस लिया हुआ है। मसालों में हमने 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 1 ग्लास बटर मिल्क लिया हुआ है, इसे छाछ भी कहते हैं। हमने ऑयल लिया हुआ है। 200 ग्राम हमने ये ओट्स का आटा लिया हुआ है। अगर आपके पास ओट्स का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में ओट्स डाल के पाउडर जैसा उसको बना लें। और हमने 100 ग्राम रवा लिया हुआ है। अब हम ओट्स के चीले का बैटर तैयार करेंगे। हमने एक बाउल लिया हुआ है, बाउल के अंदर हम ये ओट्स का आटा डालेंगे और इसके साथ ही साथ हम इसमें रवा ऐड कर देंगे और रवा और ओट्स के आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रवा ओट्स का आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल के सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम सारे कटे हुए वेजिटेबल ऐड करेंगे। आपके पास जो वेजिटेबल अवेलेबल हो आप वो वेजिटेबल ऐड करें। मैंने सारे हेल्दी वेजिटेबल्स यूज़ किए हुए हैं। सारे वेजिटेबल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसमें हम अब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसके साथ ही साथ हम लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस से चीला का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। नमक और लेमन जूस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बटर मिल्क डालेंगे। जैसा हम डोसा का बैटर तैयार करते हैं वैसा बैटर हमें तैयार करना है। सारे बटर मिल्क को हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे। अब हमारा ओट्स चीला का बैटर तैयार हो चुका है। चीला का बैटर तैयार करने के लिए हमारा पूरा 1 ग्लास बटर मिल्क लगा हुआ है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे सेट होने के लिए। बैटर सेट हो चुका है, हमने तवा रखा हुआ है, तवा गर्म हो चुका है। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। ऑयल अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड हो चुका है। हमें जितना बड़ा चीला बनाना है उतने ही क्वांटिटी में हम बैटर यूज़ करेंगे और बैटर को हम सर्कल शेप में स्प्रेड करेंगे। हमने थोड़ा सा मोटा ही चीला बनाया है, आप अपने पसंद के अनुसार थिक और थिन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चीला का ऊपरी पार्ट ड्राई हो चुका है। अब इसे हम पलट लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह हम नीचे का पार्ट भी सेक लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। और फ्रेंड्स, इसी तरह हम सारे चीले को तैयार करेंगे। और आप इस ओट्स चीला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय।